आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर प्रतापगढ़ जैसे लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसे लेकर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले कई साल तक काम किया है, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि वो चुनाव लड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर का, और बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में भी मंत्री रहे, विभिन्न राज्य में उनके द्वारा काम किया गया है, और आज जो उनका चेहरा है वह देशव्यापी है। इस लिहाज से वो जहाँ से भी चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन हम लोग बिहार के मंत्री होने के नाते, बिहार के निवासी होने के नाते, हम लोग का व्यक्तिगत च्वाइस होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से भी चुनाव लड़ें। अपराध नियंत्रण और आम लोगों से पुलिस का सीधा संपर्क हो, इसे लेकर बिहार पुलिस की लगातार कोशिश जारी है, और इसी कड़ी में बेहतर पुलिसिंग, आम लोगों से सीधा संपर्क बनाने के लिए पटना पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में 3 टीओपी पोस्ट का उद्घाटन किया है। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र, वैशाली गोलंबर के राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे और मछुआ टोली घनी आबादी वाले इलाके में टीओपी भवन का उद्घाटन पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने क्या है। इस मौके पर सेंट्रल एसपी ने बताया कि घटना की जानकारी देते हुए पीड़ितों की जल्द लोगों तक पहुंचे और पुलिस और आम लोगों के बीच समन्वय स्थापित हो, वहीं अपराध पर लगाम लगाना उनका मुख्य उद्देश्य है। हालांकि टीओपी में कोई एफआईआर फिलहाल दर्ज नहीं किया जाएगा, एफआईआर संबंधित जो मामले हैं वो थाने में ही दर्ज होंगे। बिहार पुलिस मैनुअल में टाउन आउटपोस्ट का उल्लेख है। ये टाउन आउटपोस्ट मछुआ टोली पहले से अधिसूचित था, इसको हमने आज फॉर्मल रूप से उद्घाटन किया है। टाउन आउटपोस्ट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो पब्लिक का पुलिस से जो दूरी होती है वो कम करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एरिया है वो या तो कॉलेज के आसपास है या फिर हॉस्टल्स के आसपास है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स की जो अपनी समस्याएं होती हैं वो हर समस्या को लेकर थाना पर जाने में हिचकता है, और जो इश्यूज होते हैं, इंटेलिजेंस होता है, वो भी कई बार थाने तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में जो चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे पब्लिक हों, उनका थाना से जो दूरी है उसको कम करने के लिए आउटपोस्ट का एक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसी में अभी तनेश पायल PSI को एज अ टाउन आउटपोस्ट प्रभारी हम लोगों ने नियुक्त किया है, साथ में 2 PTC भी किए हैं। बाद में फोर्स आने पे इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया भी जाएगा। छपरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन छपरा नगर निगम कार्यालय से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न भागों से होता हुआ नगरपालिका चौक पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पत्थरबाज जो कर रहे उसे वो लोग अविलंब बंद कर दें, अन्यथा इसके भयंकर अंजाम भुगतने होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते कहा कि ऐसे तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमले के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सरकार गिरफ्तार कर जेल भेजे। विरोध प्रदर्शन का क्या कारण है? विरोध प्रदर्शन का हमारे हिंदू भाइयों को जो ये हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ हुआ है? अब वो अभी आप मेवात में देखे होंगे, मेवात में हुआ है, दिल्ली के नागलोई में हुआ है, दरभंगा में हुआ है, अभी रामनवमी शोभायात्रा में सासाराम में हुआ है, कुछ दिन पहले नौगछिया में हुआ है, भागलपुर में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहेंगे कि सरकार को बताना चाह रहे हैं कि ये जिहादियों से ये काम बंद करवाए, उसको रोक लगाए, जिहादियों पर अंकुश लगाए, नहीं तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे, हम लोग भी रोड पर आएंगे। अपना परिचय दें। सुमित कुमार सिंह, प्रांत कोषाध्यक्ष, उत्तर बिहार। गोपालगंज पुलिस ने मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को चूना लगाने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन अपराधियों के खातों को भी पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। ये कार्रवाई सदर पुलिस के निर्देश पर पुलिस ने की है। सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि उन्हें लगातार पुडुचेरी और गुजरात जैसे कई राज्यों से शिकायतें मिल रही थी कि गोपालगंज के कुछ युवक साइबर फ्रॉड की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन साइबर अपराधियों ने मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से लाखों रुपयों की वसूली की थी। SDPO ने बताया कि इन साइबर अपराधियों की तरफ से पहले लोगों को मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए एक टीम बनाने का झांसा दिया जाता था, फिर उनसे किसी अकाउंट में 2,000, 4,000, 5,000 या उससे भी ज्यादा दूसरों के खाते में जमा करवाए जाते थे। इस फर्जीवाड़े से लाखों रुपए की हेराफेरी की जाती थी। और
ये सिद्धवलिया थाना क्षेत्र से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग ड्रीम इलेवन ऐप के द्वारा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को कुछ और भी सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें कि अकाउंट्स ब्लॉक हो गए थे अलग अलग स्टेट के पुलिस के द्वारा, जैसे कि पुडुचेरी पुलिस ने ब्लॉक करवाया था तथा गुजरात पुलिस ने ब्लॉक करवाया था अकाउंट को। उसी पे हम लोगों ने काम करते हुए दो लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने एविडेंस में हम लोगों को उन लोगों के मोबाइल को हम लोगों ने जब्त किया है तथा उसमें हम लोगों को ड्रीम इलेवन के नाम पर जो लोगों से ठगी की गई है। बेगूसराय में पिछले 23 मार्च को हुए कपड़ा व्यवसायी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए इस मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों के पास से देसी कट्टा जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बताते चलें कि पुरानी रंजिश में दोनों अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों ही अपराधी हत्या के एक मामले के मुख्य गवाह की 5 लाख में हत्या करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही सूचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने हत्या में शामिल देसी कट्टा जिंदा कारतूस और हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बताते चलें कि 23 मार्च को मझौल सहायक थाना क्षेत्र के सिमरी बांध के समीप अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी शंभू सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संबंध में बेगूसराय के एसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि अपराधियों पर आर्म्स एक्ट के तहत हत्या की साजिश और हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि अगर पुलिस वक्त रहते दोनों अपराधियों को नहीं पकड़ती तो एक बार फिर एक व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज बेगूसराय पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली हैं। आज से करीब 2 महीने पहले एक मर्डर केस हुआ था मझौल थाना अंतर्गत, उसका पूर्णतः उद्भेदन कर लिया है पुलिस ने। साथ में इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से उस हत्या में प्रयोग किया गया कट्टा, गोलियां, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसमें दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि यही दोनों आदमी एक और हत्या की वारदात को ये लोग अंजाम देने जा रहे थे, और जिसकी हत्या करने जा रहे थे वो आदमी मर्डर केस में वो एक गवाह है, और इन लोगों को एक व्यक्ति ने सुपारी दी थी। वो व्यक्ति इस समय जेल में बंद है, क्योंकि ये लोग भी उसके साथ जेल में रहे हैं, तो इनको उसी आदमी ने ये काम दिया था कि मेरे उस केस मर्डर केस में ये लोग अदालत में गवाही नहीं देने चाहिए। तो हम लोग को इस बात की इनपुट मिल गई थी, उसकी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, और जब ये सूचना हम लोग को मिली कि इतनी बड़ी घटना ये लोग कर सकते हैं, तो एसटीपीओ मझौल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था आज से मैंने करीब 1 महीने पहले, जिसमें एसएचओ मझौल और हमारे डीआईयू के इसमें ऑफिसर्स थे। पिछले 1-2 महीने में जो लगातार हम लोग ने इस केस में काम किया, तो इसमें कल एक बड़ी सफलता मिली, इसमें दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया। और जो इनपुट हम लोग के पास था जब उसको लेकर के हम लोगों ने इनसे पूछताछ की, तो इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया। इन लोगों ने बताया कि यदि ससमय गिरफ्तारी नहीं हो पाती कल, तो उस जो मर्डर केस का गवाह है उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं, और उसके एवज में इन लोग को 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, तो उसके होने से पहले पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की, तो 2 महीने पहले मझौल में जो एक मर्डर केस हुआ था जिसमें कि एक शंभू सहनी जिसकी हत्या इन लोगों ने कर दी थी गोली मार करके, तो उसमें भी इन लोग की बांका में प्रेमी से धोखा मिलने के बाद प्रेमिका और परिजनों ने गुरुवार की सुबह रजौन थाने पहुंचकर 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार बांका के रजौन थाना क्षेत्र के एक गांव में लव मैरिज के कुछ दिन बाद ही प्रेमी प्रेमिका को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद लड़के के परिजन प्रेमिका को रखने के लिए तैयार नहीं है। किशोरी को लेकर परिजन न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने पहुंचे, जिसके बाद रजौन थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई कर रही है। मेरे साथ यही हुआ, उनको टीचर ने बहला फुसला के मेरे से बोला कि नहीं हम जान दे देंगे, बस उनको बढ़िया से रखेंगे, तुम टेंशन ले लो। तो मैंने उससे शादी कर ली रात में 6 बजे। शादी कब किया था, क्या तारीख को? 13 तारीख को। कहाँ पर शादी किया थी? बासुकीनाथ में। इसके बाद बासुकीनाथ से कहाँ गया तुम लोग? बासुकीनाथ से फिर लेके गया कलकत्ता में 3-4 दिन तक दोस्त के पास रहा, फिर दिल्ली स्टेशन आया। अच्छा, इसके बाद दिल्ली पे भी दोस्त के पास रहा, फिर दूसरे जगह जाने के लिए खोजा तो रेलवे स्टेशन पे उनको छोड़ के, वो बोला बाथरूम से आ रहे छोड़ के, फिर नीचे चले गए, फिर आया नहीं। लड़का कहाँ का रहने वाला है? श्यामपुर।